आईफोन में ऐप्स को लॉक किस तरह से करते हैं? भाई को बता दिया ना, भाई संभाल लेगा। स्वागत है आप सबका आई एम डिजिटली योर्स यूट्यूब चैनल पे, एकमात्र ऐसा चैनल जहां पे हम अनबॉक्सिंग और रिव्यूज के साथ साथ ये सीखते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को यूज किस तरह से कर सकते हैं। और इस चैनल में हम सॉल्व करते हैं टेक्नोलॉजी वाले प्रॉब्लम्स। तो यार सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और घंटी दबाना भूलना मत। और आज के इस एपिसोड में हम सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम को जो ज़्यादा करके आईफोन यूजर्स फेस करते हैं, और वो है आईफोन पे ऐप्स को लॉक किस तरह से किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ऐप लॉकिंग होता क्या है। मान लीजिए कि मेरे दोस्त ने मुझसे मेरा आईफोन मांगा है कुछ देर के लिए। अब मैंने अपना आईफोन उसको दे तो दिया है, लेकिन मन में थोड़ा सा डर रहता है कि यार वो मेरे फोटोज ना देख ले या मेरे मैसेजेस ना पढ़ ले। अब इस सिचुएशन में ऐप लॉकिंग की मदद से मैं अपने फोटोज के ऐप को और अपने मैसेजेस के ऐप को लॉक कर सकता हूँ और फिर अपने आईफोन को अपने दोस्त को दे सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईफोन में ऐप लॉकिंग का सिस्टम है ही नहीं। यही बताने के लिए मैं आज आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जुगाड़, एक सस्ता सुंदर टिकाऊ फ्री तरीका जिससे आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हैं अपने आईफोन पे और निश्चिंत होकर अपना आईफोन अपने दोस्त को दे सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो इस जुगाड़ को करने के लिए आप सीधा आइए सेटिंग्स पे और यहाँ पे सर्च पे टाइप कीजिए स्क्रीन टाइम और उसको चूज कर लीजिए। नीचे आइए और एक पासकोड सेट करिए। हम इस एग्जांपल के लिए 111 का पासवर्ड डाल रहे हैं। री एंटर कर दीजिए अपना पासवर्ड और ऊपर आइए यहाँ पे ऐप लिमिट्स में और उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे प्रेस कीजिए ऐड लिमिट। यहाँ पे आपको कई सारे ऐप्स की कैटेगरीज मिल जाती हैं। आप इसकी मदद से अपने सोशल नेटवर्किंग ऐप्स को, अपने गेम्स को, अपने एंटरटेनमेंट ऐप्स को आसानी से लॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ सोशल नेटवर्किंग और उसके बाद मैं प्रेस करूँगा नेक्स्ट। और यहाँ पे मुझे एक लिमिट सेट करना पड़ेगा जिसके बाद मेरे सोशल नेटवर्किंग ऐप्स लॉक हो जाएंगे और मेरे अलावा इन्हें कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए 1 मिनट चूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद प्रेस कर रहा हूँ ऐड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सोशल नेटवर्किंग ऐप्स जैसे कि फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रे आउट हो गए हैं। आइए इनको खोलने की कोशिश करते हैं। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फेसबुक और यहाँ पे लिखा हुआ आया है कि यू've रीच्ड योर लिमिट ऑन फेसबुक, आस्क फॉर मोर टाइम। इसको अगर कोई क्लिक करता है तो उसको ये मैसेज मिलता है, एंटर स्क्रीन टाइम पासकोड। तो अगर किसी को ये ऐप एक्सेस करना है तो उसको ये पासकोड पता होना चाहिए। इंडिविजुअल ऐप्स को लॉक करने के लिए आप दोबारा आइए स्क्रीन टाइम पे और ऊपर अपने डिवाइस को चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ आईफोन और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी ऐप जिसको आपको लॉक करना है। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे स्क्रॉल करने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा ऐड लिमिट और यहाँ पे मैं एक लिमिट सेट कर दूँगा 1 मिनट का। और नीचे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के नीचे यहाँ पे एडिट ऐप्स लिखा गया है। इसको मैं अगर प्रेस करूँ तो आप कोई भी ऐप को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ऐप स्टोर और उसके बाद कर दूँगा ऐड और दोबारा से प्रेस कर दूँगा ऐड। तो अब आप देख सकते हैं मेरा ऐप स्टोर का ऐप और मेरा व्हाट्सएप दोनों ही ग्रे आउट हो चुके हैं। आइए ऐप स्टोर को खोलने की कोशिश करते हैं। दोबारा हमें वही मैसेज मिलता है, यू रीच्ड योर लिमिट ऑन ऐप स्टोर, आस्क फॉर मोर टाइम। इसको क्लिक करने पे हमको पासवर्ड वाला स्क्रीन मिलता है। तो इस तरीके से आप अपने ऐप्स को लॉक कर सकते हैं स्क्रीन टाइम की मदद से। वैसे ऐप स्टोर पे कुछ और ऐसे ऐप्स हैं जो दावा करते हैं ऐप लॉकिंग का, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं और कई ऐसे हैं जिनमें आपको पैसे भरने पड़ते हैं और अपने डिटेल्स भी देने पड़ते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई ऐप है जो काम करता है और फ्री है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना भूलना मत, आपके लाइक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में, एक रिव्यू, अनबॉक्सिंग, ट्यूटोरियल या किसी नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।